फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल गुड. माई सेल्फ ज्योति. जैसा कि आप सबको पता है, एग्जाम की डेट्स हैं वो आ चुकी है, इसलिए हम जो भी टॉपिक्स हैं उनको एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कौन से टॉपिक से कौन से एमसीक्यूज आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस टॉपिक से. सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले. आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B10? विटामिन B10 है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज BCA, सेकेंड इज PABA, थर्ड इज ALA एंड डी इज नन ऑफ द अबाव. सो द राइट आंसर विल बी सेकेंड, PABA. फुल फॉर्म इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से किसकी वजह से होते हैं, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं? ऑप्शंस आर विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B1. सो द राइट आंसर विल बी सी, विटामिन B9, दैट इज फोलिक एसिड. फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं. तो जो हमारे विटामिन मिनरल्स हो गए, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? या तो इनके साइंटिफिक नेम पूछेंगे, या फिर उनका कौन सा सोर्स है, जिनसे उस न्यूट्रिएंट का रिच सोर्स कौन सा है, या फिर कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है. ये सारी चीजें हमने डिटेल में वीडियो में डिस्कस कर रही हैं. आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके उसको देख लेना और याद भी कर लेना, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉप टू मिनरल्स इन मिल्क आर. मिल्क के अंदर कौन से दो मिनरल्स हैं? न्यूट्रिएंट उसने नहीं पूछा, मिनरल पूछा है. तो देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास. आयरन एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, नन ऑफ द अबव. तो मिल्क में हमें पता है कैल्शियम तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा दूसरा कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो मिल्क में सबसे ज्यादा मिलता है? सो द राइट आंसर विल बी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड एक्सेप्ट. कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें फूड में नहीं मिलता? प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिंस. जो ये तीनों हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स ही हैं जो फूड कंपोनेंट, फूड के बेसिक कंपोजिशन में और बॉडी के लिए भी रिक्वायरमेंट होते हैं. लेकिन जो प्लाज्मा है वो सेल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है. सो प्लाज्मा इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड. द राइट आंसर विल बी ए, प्लाज्मा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर बॉडी नीड्स विटामिंस एंड मिनरल्स बिकॉज. क्यों जरूरत होती है विटामिन और मिनरल्स की हमारी बॉडी को? क्या काम होता है विटामिन और मिनरल्स का हमारी बॉडी में? ऑप्शंस आर, दे प्रोवाइड बॉडी एनर्जी, दे गिव्स एनर्जी, दे हेल्प टू कैरी आउट मेटाबॉलिक रेट, दे इंसुलेट द बॉडीज ऑर्गन्स, दे विड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी. कौन सा काम करते हैं इनमें से विटामिन और मिनरल्स? दे हेल्प टू कैरी आउट मेटाबॉलिक रेट्स, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट का काम होता है. इंसुलेट बॉडी ऑर्गन, जो कि फैट का काम होता है, फैट प्रोवाइड करता है. दे विड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी, इट्स नॉट पॉसिबल. जो विटामिन और मिनरल्स का काम होता है वो ये होता है कि मेटाबॉलिक रेट में हेल्प करते हैं. सो राइट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट इज, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट द स्किन. स्किन को कौन कौन से न्यूट्रिएंट है वो अफेक्ट करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? आयरन, आयोडीन, जिंक, पोटेशियम. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैराडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विटामिन के, कैल्शियम, फ्लोरीन, कॉपर एंड लास्ट है ऑल ऑफ द थ्री. जो भी हमने तीनों ऊपर देखे वो तीनों सही हैं. सो राइट आंसर इसका क्या होगा? सो राइट आंसर विल बी बी, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडोक्सिन एंड पेंटोथिनिक एसिड, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडोक्सिन एंड पेंटोथिनिक एसिड. नेक्स्ट इज, व्हाट डज विटामिन के डेफिशिएंसी लीड टू? विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, या इनमें से कौन सी प्रॉब्लम कॉज करता है विटामिन के की डेफिशिएंसी? ऑप्शंस आर, ए प्रॉब्लम इन डाइजेशन, बी प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग, सी प्रॉब्लम इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म,
डी ऑल ऑफ द थ्री। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमें पता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है विटामिन के, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगी, सो राइट आंसर विल बी बी। विच पॉइजनिंग कॉजेस मीनामाटा डिजीज? मीनामाटा डिजीज कौन से मिनरल की वजह से होती है? सो ऑप्शंस आर लेड, मरकरी, आयरन एंड सिल्वर। सो इसके अंदर मीनामाटा डिजीज में क्या है, मरकरी जो है ना वो हमारा पॉइजनस, यहाँ पे पॉइजनस मिनरल है। सो मीनामाटा डिजीज है वो इसकी मरकरी की है, उससे होती है, मरकरी इनटेक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो मिनरल एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइक्रो मिनरल है वो एसेंशियल होता है? सो ऑप्शंस आर ए कैल्शियम, बी आयोडीन, सी फ्लोरीन, डी मैग्नीशियम। सो हमने देखा था कि फूड फोर्टिफिकेशन में भी हमने देखा था जो टेबल सॉल्ट है उसको हम फोर्टिफाई करते हैं आयोडीन के साथ। क्यों करते हैं हम आयोडीन के साथ, ताकि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से प्रिवेंट किया जा सके, और आयोडीन है वो हमारा थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और थायराइड हार्मोन की मतलब आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज होती है। तो गोइटर डिजीज को ओवरकम करने के लिए जो टेबल सॉल्ट होता है उसको हम आयोडीन के साथ फोर्टिफाई करते हैं। सो राइट आंसर विल बी बी, आयोडीन इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थ्री मिनरल्स प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इन सीरियल ग्रेन्स लाइक व्हीट, मिलेट एंड ब्राउन राइस। व्हीट, मिलेट और ब्राउन राइस में सबसे ज्यादा कौन से तीन मिनरल होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम कार्बोहाइड्रेट और बाइसल्फेट, बी ऑप्शन इज जिंक, मरकरी, कॉपर, सी कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फोरस, डी पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सो जो व्हीट, मिलेट और ब्राउन राइस है उसके अंदर हमारा सबसे ज्यादा जो अवेलेबल होता है वो होता है कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फोरस। सो द राइट आंसर विल बी सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and press bell icon for more updates.